हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या करें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो जीरो पर कंटिन्यूअस है तो हमें ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसके लिए। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जीरो पर की बात कर रहे थे, हम लोग लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो और लेंगे एल एच लिमिट। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो और हम माइनस दे देंगे और एफ एक्स फंक्शन लिमिट x टेंस टू जीरो पावर माइनस एफ एक्स का वैल्यू जीरो से लेस देन के लिए, देखो x जीरो से लेस देन है तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वन इंटू एक्स और यहाँ पर प्लस में साइन x और बाई में आपका x। ठीक है, तो ऊपर हम लोग साइन a प्लस साइन b यानी कहने मतलब साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस यहाँ आ जाएगा टू साइन ए प्लस वन एक्स और प्लस का एक्स बाई में टू कॉस a प्लस वन इंटू एक्स माइनस एक्स बाई में टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे इसके बाई में है यहाँ x। अब इसके बाद देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में दे देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू साइन, यहाँ x कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा a प्लस टू इंटू एक्स और बाई में टू और फिर इंटू में cos, यहाँ देखिए x x कट जाएगा, कॉमन करेंगे ना या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x x कटेगा आपका ए एक्स बच जाएगा, ए एक्स बच जाएगा, है ना जी। और बाई में टू है तो टू ले लेते हैं और इसके बाई में एक्स है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये टू को इसके डिवाइड में लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस टू बाई एक्स बाई टू और यहाँ बाई में इसको टू को इधर ला देते हैं एक्स बाई टू, इसमें भी अलग से लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए एक्स बाई टू। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में माइनस यहाँ पे साइन आपका क्या है a प्लस टू इंटू एक्स बाई टू, है ना जी, और बाई में यहाँ पर क्या है जी, यहाँ इसके बाई में क्या है जी, तो x बाई टू है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस टू इंटू में x बाई टू, यहाँ देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इसमें डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई में a प्लस टू ले लेते हैं और फिर लिमिट x टेंस टू जीरो पावर माइनस कॉस ए एक्स बाई टू। समझ गया ना हमने क्या किया है, यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब देखिए ये जो चीज़ है यही चीज़ यहाँ पे भी है, तो इसका फॉर्मूला तो वन ना हो जाएगा, इसका लिमिट और इनटू में आपका a प्लस टू और यहाँ आ जाएगा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का भी वैल्यू वन ही होता है, यानी आ जाएगा a प्लस टू इसका वैल्यू एल एच लिमिट का। अब चलते हैं आर एच लिमिट की तरफ, आर एच लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में प्लस देंगे और फंक्शन है एफ एक्स। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में प्लस और एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो से ग्रेटर के लिए देखिए ये है रूट अंडर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई में बी एक्स का पावर थ्री बाई टू। ठीक है, क्या जी, रूट अंडर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस का रूट एक्स बाई में यहाँ पर बी एक्स का पावर थ्री बाई टू, यही ना है जी, देख लीजिए एक बार, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके न्यूमरेटर को रेसलाइज करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में प्लस रूट अंडर x प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई में यहाँ पर बी एक्स का पावर थ्री बाई टू और इंटू में यहाँ पे रूट अंडर x प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का रूट एक्स और बाई में नीचे रूट अंडर x प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का रूट एक्स। अब इसके बाद देखते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में प्लस देते हैं, ऊपर प्लस में एक बार माइनस में होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, x प्लस का बी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस रूट एक्स का स्क्वायर और नीचे देखिए बी एक्स का पावर थ्री बाई टू और इसमें से आप एक रूट एक्स यहाँ से निकालते हैं, रूट एक्स यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आप इंटू में रूट एक्स यानी कि एक्स का पावर वन बाई टू निकल गया, समझ गए ना। तो यहाँ अंदर बच जाएगा रूट अंडर वन प्लस का बी एक्स, वन प्लस का बी एक्स और प्लस का यहाँ वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, यहाँ से रूट एक्स कॉमन किए इसमें से। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस
आ जाएगा x प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई में नीचे बी एक्स का पावर 2 और फिर यहाँ इंटू में रूट अंडर वन प्लस का बी एक्स प्लस 1। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, पावर में प्लस देंगे, x से x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई में बी एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर वन प्लस का बी एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए बी एक्स स्क्वायर कट गया, अब पुट कर देते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस का b इंटू में 0 प्लस में 1, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई में 1 प्लस का 1 यानी 1 बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग f 0 के वैल्यू की बात करें तो 0 पर क्या है फंक्शन का वैल्यू, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू हो जा रहा है c हो जा रहा है। अब चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि इसका एल एच लिमिट इक्वल है आर एच लिमिट के और इक्वल है एफ 0 के, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या था जी, तो इसका a प्लस का 2 था, एल एच लिमिट में a प्लस का 2 आया था, देख लीजिए एक बार a प्लस 2, आर एच लिमिट में 1 बाई 2 और यहाँ ये आपका c। तो अब देखिए इसके बाद इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू में 1 बाई 2 और c इक्वल टू में 1 बाई 2, ये जाके उधर माइनस का यानी a का वैल्यू माइनस 3 बाई 2, अच्छा c का वैल्यू 1 बाई 2। अच्छा रहा बात b का, तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है बस 0 को छोड़कर, ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि देखिए आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर b के जगह कोई भी रियल नंबर लेते तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आर एस लिमिट में जो हम लोग निकाल रहे हैं इसमें ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये कट जा रहा है, यहीं पे देखो इस वाले स्टेप में देखो ये बी वाला टर्म तो कट ही जा रहा है ना, तो यहाँ बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 0 को छोड़कर। तो ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर